नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ कमिटमेंट था कि 2020 में जब सरकार हम बनाएंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बिहार के जनता के साथ और बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ, दोनों के साथ विश्वासघात है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। देखिए, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने किया, ये पूरी तरह बिहार और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात है, क्योंकि बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में एनडीए को जनमत देने का काम किया था, और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ कमिटमेंट था कि 2020 में जब सरकार हम बनाएंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये पूरी तरह बिहार के जनता के साथ और बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ, दोनों के साथ विश्वासघात है, ये स्पष्ट है। आप लोग आगे क्या करिएगा? आगे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने जो काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चीज़ें स्थापित करनी थी, उस पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि हम लोग काम कर रहे थे और हम लोगों को काम करने से रोका गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैसा संबंध है मैं बता देना चाहता हूँ। 1996 में जब समता पार्टी 1994 में बना, मैं तो उस दिन से देख रहा हूँ। 94 में समता पार्टी बनी और मात्र 7 सीट जीतकर 1995 में समता पार्टी आई। वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को 7 दिन के लिए भी बिहार में मुख्यमंत्री, जबकि उस समय भी 37 विधायक होते थे और 69 MLA भारतीय जनता पार्टी का था। 2005 में याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अरुण जेटली जी ने घोषणा किया, जबकि जौहर साहब खिलाफ में थे, तब भी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाया गया।